कंट्री डॉलर। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी जाति धर्म या इंसान विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में दिखाए गए सारे पात्र काल्पनिक है। हेलो दोस्तों, आज मैं मिला भगवा म्यूजिक के बादशाह गोविंद यादव से। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अपने सुरों के दम पर किस तरह इसने हिंदू राष्ट्र का ध्वज पूरे विश्व में फहराया। मैंने देखा कि जब लोग सच्ची बात करते हैं, अपने धर्म के प्रति बात करते हैं, तो लोगों को दबाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने हिंदूवादी गीत गाना शुरू किया। गोविंद भी आप ही की तरह एक इंसान पैदा हुआ, फिर उसे मिला एक नाम, एक धर्म और एक भगवा गमछा। घर बार और दोस्त यारों की बढ़ा चढ़ा कर सुनाई हुई कहानियों से गोविंद का अपनी संस्कृति से लगाव और दूसरे धर्मों के तौर तरीकों से अलगाव बढ़ता गया। पर अभी तो गोविंद के खेलने कूदने की उम्र थी। उसके नाना राम सुखदास ने उसका परिचय शाखा से करवाया, जहां खेल कूद के साथ साथ राम राज्य धरती पर लाने और हिंदुओं को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता। अपना तृतीय वर्ष पूरा होने के बाद गोविंद को भगवादारी होने का लाइसेंस मिल गया। गोविंद को भगवा रंग ऐसा चढ़ा कि हरा रंग उसकी आंखों में चुभने लगा। गोविंद के हर मर्ज की दवा गोमूत्र है। उसकी रिसर्च के मुताबिक अगर डेंड्रफ को जड़ से खत्म करना है तो बालों में गाय के गोबर का लेप करना ही पड़ेगा। पतंजलि नूडल्स को तो गोविंद प्रसाद समझकर खुद के भोग लगाता। गोविंद को रूअब्जा भी नहीं पसंद। गोदी मीडिया के फैन गोविंद के हिसाब से लव जिहादी देश की सबसे बड़ी समस्या है। तीन तलाक के गैर कानूनी घोषित होने पर गोविंद ने धूमधाम से जश्न मनाया। इतनी खुशी तो शायद मुस्लिम महिलाओं को भी नहीं हुई। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने वाले प्रेमियों को घेरे में लेकर राखी बांधने पर मजबूर करने वाला गोविंद शादीशुदा होने के बावजूद पराई महिलाओं से संबंध रखता। ऊपर से नीचे तक विदेशी कंपनियों के कपड़ों से लदा गोविंद 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर विश करने वाले लोगों को सीधा ब्लॉक मार देता। मुंह में राम, बगल में खेनी रखने वाला गोविंद पाखंड की साक्षात मूर्ति था। अपने बचपन के सहपाठियों रहीम और पीटर का नाम बदलकर उसने राम और पवन कर दिया। अपने खाली समय में गोविंद देशद्रोही फिल्मों और आर्टिस्टों के खिलाफ आवाज उठाता। गोविंद का दिन व्हाट्सएप पे जय श्री राम का स्टेटस लगाने से शुरू होता। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है, जय श्री राम। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए गोविंद को 2 वक्त का खाना जुटाने के लाले पड़ रहे थे, लेकिन बेरोजगारी उसके लिए एक समस्या नहीं थी। गोविंद का मुद्दा था तिरंगे का तीसरा रंग हरा क्यों, गुलाबी क्यों नहीं। गोविंद का तो यहाँ तक कहना है कि देश को असली आज़ादी तो 2014 में ही मिली। राजनेताओं के भड़काऊ भाषणों ने गोविंद की आंखें खोल दी। वो खुद को अपने धर्म का रक्षक समझने लगा। मैंने अपने धर्म को और अपने सनातन धर्म को जगाने के लिए हिंदूवादी गीत गाना शुरू किया। अब हिंदू खतरे में है या लॉजिक, ये बात उस अंधभक्त को कहाँ नजर आने वाली थी। गोविंद का बस एक ही सपना है, रामलला की घर वापसी। गोविंद ने संगीत के जरिए अपना सपना साकार करने की ठानी। लेकिन कब रामलला की आड़ में गोविंद ने लोगों को भटकाना चालू कर दिया, पता ही नहीं चला। राम का नाम है, मंदिर की घंटी है, भगवा म्यूजिक के धंधे में सक्सेस की गारंटी है। वाह गोविंद वाह, सुनकर जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है। और अचंभे की बात तो ये है
कि गोविंद और ऐसे और कई देशभक्तों को नजरअंदाज कर पुलिस भी बेफिक्र बैठी है। निश्चित ही मेरा देश बदल रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है।